आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क, जी हाँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हरकतें दिखाने से बाज नहीं आता है, अपनी आंखों दिखाने से जो है वो बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो जीव रक्षक दवाओ के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, भारत से विनतियां कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद को आइसलैंड जाने के लिए उसने एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं किया। जी हाँ, कोविंद जी को जो है वो आइसलैंड जाना था और पाकिस्तान का एयर बेस जो है उसमें इस्तेमाल करना था, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी ने शनिवार को बताया कि भारत ने राष्ट्रपति के आइसलैंड की फ्लाइट के लिए अनुमति मांगी थी, जिसने पाकिस्तान ने जो है वो नामंजूर कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि नामंजूरी जो है वो प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से थी। इमरान खान ने जो है वो मना किया था, इमरान खान ने जो है वो परमिशन नहीं दी थी कि भारत का जो स्पेशल VVIP जो प्लेन है वो पाकिस्तान की एयरबेस को क्रॉस कर सके। हम बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के विदेश दर्जा खत्म होने के बाद से इमरान खान सरकार जो है वो बौखलाई हुई है। इमरान खान सरकार पर यह भी दबाव बना रहा है विपक्ष वहाँ का कि पाकिस्तान जो है वो जो स्पेस है एयर स्पेस है वो भारत के लिए पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दे, पूरी तरीके से जो है भारत की कोई भी फ्लाइट जो है पाकिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल ना करे। दरअसल इससे पहले भी ये हो चुका है, पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जब जैश मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप्स में इंडियन ने जो है वो एयर स्ट्राइक करा था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो है वो अपना स्पेस जो है वो बंद कर लिया था। 27 मार्च तक जो है इसको बंद कर लिया गया था, हालांकि 16 जुलाई में इसको फिर खोल दिया गया था। लेकिन हालात जो भी हों, लेकिन ये प्रेसिडेंट का VIP दौरा था और जिस तरह के भी हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ की इजाज़त देना चाहिए थी। पाकिस्तान को जो है वो राजनीतिक को जो है अलग रखना चाहिए था और जिन मसलों में उसका विवाद है उन विवादों को अलग रखना था, लेकिन पाकिस्तान भी क्या करे, वो जो है वो मजबूर है क्योंकि वो जो है वो बौखलाया हुआ है कश्मीर से। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो है पाकिस्तान काफ़ी इस तरह की जो फैसले हैं वो ले चुका है। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ।